महंगाई की बात कांग्रेस के लोग करें, यूपीए के गठबंधन दल के लोग महंगाई की बात करें तो सचमुच बड़ा दर्द होता है। और पब्लिक को दर्द पता नहीं कितना हो रहा है, कांग्रेस को दर्द ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर सच्चाई देश के लोगों के सामने तो रखनी पड़ेगी, आखिर सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। 1998 में जब हम आए तो महंगाई की दर इन्फ्लेशन रेट था 8.26% 1998 में जब हम आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतनी बढ़िया सरकार उस समय चलाई, और सोनिया जी आप तो थी, उन 6 वर्षों में केवल एक बार महंगाई की चर्चा हुई, क्योंकि महंगाई दर 8.5% से कम करके 2.8% पर कोई व्यक्ति लाया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर आई। और पिछले दस वर्षों में जब 17 बार महंगाई पर चर्चा हुई होगी तो इस सदन के मेरे सभी मित्र समझ सकते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी होगी। महंगाई लगातार 8.7% 2009 तक बढ़ती रही, और 2013-14 की अगर मैं बात करूं तो 13% तो बड़ी बड़ी लगातार, 20% 2 महीने नवंबर और दिसंबर में भी बढ़ी है। 13% 2013-14 में आपके समय महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने के लिए कोई जिम्मेदार है तो आपकी पिछली सरकारें पिछले 10 वर्षों में रही है। आज आप महंगाई का जवाब हमसे मांगते हैं। अरे मित्रों, आप लोग 120 महीने सरकार में रहे, हम लोग मात्र 72 महीने सरकार में रहे थे। हमारे 72 महीनों की सरकार में मात्र 11 महीने महंगाई बढ़ी, वो भी जो पहले वाले महीनों में थी। आपके 120 महीनों में 70 महीने महंगाई बढ़ी है। 60% समय में महंगाई बढ़ती रही तो आपकी सरकार के समय बढ़ी है।